इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमको 18650 मॉडल की एक बैटरी चाहिए और इसी के साइज का हमको एक पीवीसी पाइप लेना है। और ये जो है बैटरी ना, इसके अंदर अच्छी तरीके से फिक्स होनी चाहिए, जैसा कि अभी आप देख सकते हो। और इस तरह के पाइप जो है आपको हार्डवेयर की शॉप पे काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। एंड फ्रेंड, अब हमको चाहिए यहाँ पर TV4056 चार्जिंग मॉड्यूल। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर चार चार्जिंग मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। एक जो है टाइप सी वाला है, बाकी ये तीनों जो है यूएसबी वाले हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो टाइप सी भी यूज कर सकते हो या फिर आप यूएसबी भी यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद हमको चाहिए ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, बेसिकली आपको बता दूँ कि ये जो है ना हमारा बल्ब का होल्डर लगा रहता है, उसमें ही इस तरह का जो है पीस लगा होता है। तो आपको दिखा दूँ कि ये वाला जो बल्ब होल्डर है ना, ये पुराना है। एंड इसमें जो है यहाँ पर जो जहाँ पर बल्ब के दो पॉइंट होते हैं ना, यहीं से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको ओपन करना है और इसमें से दोनों पीस को निकालना है। कुछ इस तरह से जो है मैंने इसके अंदर से दोनों पीसेस निकाल दिए हैं। एंड उसके बाद इसको जो है कुछ इस तरीके से फिर से इसके ऊपर लगा देना है। तो इस पीवीसी पाइप को जो है एक स्पेसिफिक लेंथ में कट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल रखूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है हमारी ये जो बैटरी है ना, इसको रखूँगा। एंड बैटरी थोड़ा सा यहाँ पर गैप देना है, आपको देख सकते हो। एंड उसके बाद जो लास्ट में हम लोग ने बल्ब होल्डर में से निकाला था ना, ये वाला पीस, ठीक है, तो इसको भी रखना है। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, लगभग इतना, ठीक है, इतना आप जो है बैटरी से थोड़ा सा छोटा ले सकते हो। एंड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मेजर कर लेना है कि कितना यहाँ पर इसका लेंथ आ रहा है। तो आई थिंक कि यहाँ पर जो है मुझे जितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसके हिसाब से लगभग 12 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ से जो है 12 सेंटीमीटर तक जितना भी लेंथ आता है इस पाइप को कट कर लेता हूँ। मैंने इस पाइप को जो है 12 सेंटीमीटर के लेंथ में कट कर लिया है। और उसके बाद जो है अब इसको जो है हमको हाफ में से कट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पेज ले लूँगा और इस पेज को जो है कुछ इस तरीके से इसके अराउंड इक्वली पार्ट में यहाँ पर रोल आउट कर लेना है, जहाँ से जो है इसका एक साइड जो है ना अच्छी तरीके से मैच हो जाए। तो अभी देख सकते हो मैंने इसको जो है इस पर अच्छी तरीके से लपेट लिया है। एंड उसके बाद इस पर जो है फाइनली हमको टेप लगा देना है, जिससे कि जो है ये निकले नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से टेप लगाने के बाद जो है अब हमको इसको पेपर को निकालना है। निकालने के बाद इसको जो है जस्ट यहाँ पर हाफ़ कर देना है, इस तरीके से इसको दबा देना है। और दबाने के बाद जो है जो हमारा यही पेपर है ना, ये जो है इस पाइप को जो है इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा। और आप जो है इससे मार्किंग लगा कर काफ़ी अच्छी तरीके से इस पाइप को जो है कट कर सकते हो, बड़े ही आसानी से एकदम इक्वल पार्ट में कट होगा। तो कुछ इस तरीके से मार्किंग लगाना है और इसको जो है कट कर देना है। टोटल मैंने चार पीसेस यहाँ पर कट कर लिए हैं। एंड उसके बाद इन सभी को जो है आपस में चिपकाना है, कुछ इस तरीके से रखना है। एंड उसके बाद जो है इस पे जो है फिर किक लगा के चिपका देना है। तो सेम इसी तरीके से सभी पीसेस को जो हम आपस में चिपका देंगे। यहाँ पर मैंने इन चारों पीसेस के जो है ना आपस में चिपका दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसको अच्छा से सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ पर दो प्लास्टिक के पीसेस ले रहा हूँ और इसको जो है मैं इसके बैक साइड में कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका दूंगा। सो फ्रेंड, इस प्लास्टिक के पीस को जो है अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ और प्लास्टिक के कॉइन्स कट कर लिए हैं, ठीक है। ये भी मैंने पीवीसी पाइप से ही कट किया है। देन उसके बाद इसको जो है कुछ इस तरीके से जो है मैं इसके एक साइड में जो है चारों जो है ना पीसेस, इसमें जो है एक एक करके चार पीसेस मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो फ्रेंड, चारों प्लास्टिक के कॉइन्स को यहाँ पर चिपकाने के बाद अब ना जो हमने बल्ब होल्डर में से निकाला था ना, तो इसको जो है अब लगाना है। सबसे पहले इसका जो है पीछे वाला पार्ट इस तरीके से निकाल के रिमूव कर लेंगे। एंड ये जो है यहाँ पर स्क्रू है ना, इसके ही साइज का जो है हम इसके बिल्कुल ही सेंटर में जो है यहाँ पर चारों में होल करेंगे और उसके बाद जो है इसको लगा कर अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। यहाँ पर मैंने चारों पीसेस को लगा दिया है और देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। सो फ्रेंड, बाकी जो हमारे चार जो कॉइन थे ना प्लास्टिक वाले, इसको भी क्या करना है, इसको भी लगाना है। लेकिन लगाने से पहले जो है इसके सेंटर में एक होल करना है और होल करने के बाद इन स्क्रू को जो है इसके बीच में कस देना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है इसको अच्छी तरीके से चिपकाएंगे। इन चारों पीसेस में होल करके स्क्रू को लगाने के बाद
अब मैं जो है ना इसको जो है इसके ऊपर चिपकाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जो है इस बैटरी को लेना है और बैटरी को जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको दबा देना है, ठीक है। एंड प्रेस करने के बाद में और यहाँ से जहाँ पे भी इसका मेजर आता है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जहाँ से भी ये जहाँ पर लगता है वहाँ पर आपको जो है जस्ट मार्कर से मार्किंग कर देना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगाने जाओगे तो ये लगेगा नहीं, निकलेगा मतलब तुरंत निकल जाएगा फिरकी, क्योंकि फिरकी जो थोड़ा उसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कुछ इस तरीके से ये लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको निकाल लेते हैं एंड उसके बाद जहाँ पर हमने मार्किंग किया था वहीं पर जो है इसको रखेंगे एंड रखने के बाद अच्छी तरीके से फिरकी से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है यहाँ पर इसको चिपकाने के बाद अब जो हमारा फाइनल काम बचता है वो है जो है इस सभी चारों पोर्ट को जो है यहाँ पर लगाना कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना दोस्त की, देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लगाता हूँ तो बी वाला तो यार बी प्लस जो यहीं पे मिल जाएगा, लेकिन बी माइनस वाला यहाँ पर है ना, तो इसके अंदर से मैं वायर नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वायर जो है मेरा बाहर बाहर से जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक एक होल करना है जिसके मदद से जो है मैं यहाँ से डायरेक्टली बाहर को जो है वायर को जो है बाहर निकाल सकता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने इस पे जो है तीन होल कर दिए हैं और इस साइड में भी मैंने होल किया है, लेकिन इसको इस साइड नहीं इस साइड अंदर के साइड में होल किया है, क्योंकि अगर मैं इस साइड करता तो वायर बाहर से निकलता जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो है अभी चलो इन सभी चार्जिंग पोर्ट्स को जो है यहाँ पर लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बाहर के साइड में ही रखूँगा एंड इस पे जो है डायरेक्टली मैं थोड़ा सा फिर किक लगा दूंगा ताकि ये जो है इसके ऊपर परमानेंटली फिक्स हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर चारों पोर्ट लगाने के बाद में अब जो है इसको ये है वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ना आप देखो ध्यान से देखोगे तो सर्किट बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा इस साइड प्लस इस साइड माइनस, यानी बैटरी प्लस बैटरी माइनस, इसी तरीके से प्लस माइनस और प्लस माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से देखो ये वाला जो पॉइंट होने वाला है ना जो यहाँ पर इसके सर्किट के नज़दीक में है ये जो है हमारा प्लस होने वाला है और ये पीछे वाला पार्ट जो है माइनस का होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं वायर को जो होल किया हूँ ना उसके अंदर से मैं निकाल लूँगा और पीछे के साइड में निकाल इसको लगाऊँगा क्योंकि वो जो है हमारा माइनस वाला पोर्शन है। तो उसको जो है मैं यहाँ से वायर निकाल लूँगा जो डायरेक्टली इस सर्किट में एक सर्किट के बी माइनस में कनेक्टेड होगा और ये वाला पार्ट जो स्क्रू है वो जो है डायरेक्टली इस सर्किट के बी प्लस वाले में कनेक्टेड होगा। तो चलो सबसे पहले इसका सर्किट कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। फ्रेंड्स फाइनली मैंने सभी कनेक्शन यहाँ पर कर दिए हैं और चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो जो ना इस साइड में है जो आगे के साइड में इस साइड वाला ये है हमारा प्लस, तो यहाँ पर मैं इसको सब जगह पर प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पर नीचे वाला ये जो है ना ये पूरा माइनस है तो यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ। तो देखो फ्रेंड ये जो है प्लस है ये माइनस है। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर सर्किट है ना यहाँ पर देखो आपको पहले ये नीचे वाला कनेक्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो बी प्लस लिखा है ये जो है बैटरी प्लस और यहाँ पर जो बी माइनस लिखा है ये बैटरी का माइनस, तो बी प्लस वाला डायरेक्ट यहाँ पर गया है क्योंकि ये वाला प्लस है और बी माइनस वाला जो है ना यहाँ से देखो यहाँ से नीचे से गया है, ठीक है, और नीचे से निकल कर ये डायरेक्ट इसमें आके सोल्डरिंग हुआ है। और इसमें मैंने सोल्डरिंग क्यों किया है क्योंकि यहाँ पर ये जो है स्क्रू में टाइट नहीं हो रहा था अच्छी तरीके से, इसके लिए मैंने इस पे ऊपर डायरेक्टली मैंने यहाँ पर चार बार को सोल्डरिंग कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया, सेम इसी तरीके का है प्लस वाला जो है बी प्लस वाला यहाँ पर कनेक्ट हुआ है और बी माइनस वाला जो है नीचे से निकल कर इस साइड में आकर यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर चारों कनेक्शन किया है। और अब बात करते हैं आगे के साइड में मैंने किस तरीके से कनेक्शन किया है। तो देखो आगे के साइड में ना अगर देखोगे तो आपको जो यहाँ पर जो दोनों साइड में, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा रहता है प्लस माइनस और यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे तो प्लस लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो ये वाला माइनस है। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला वायर लिया है जिससे जो है मैंने सभी जो है प्लस को जो है आपस में कनेक्ट किया है। जो कि रेड वाला वायर है ना यहाँ पर इसका प्लस यहाँ पर इसका प्लस यहाँ पर इसका प्लस यहाँ पर इसका प्लस चारों को एक साइड में कनेक्ट किया है और यहाँ पर इसका माइनस इसका माइनस इसका माइनस और इसका माइनस इन सभी को आपस में कनेक्ट किया है। तो इससे क्या होगा कि हमारी साथ चारों बैटरी जो एक साथ चार्ज होगी लेकिन अलग अलग वोल्टेज पर चार्ज होंगी, ठीक है। तो चलो आपको इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इसमें एक टाइप सी का जो पोर्ट है ना इसमें मैं एक टाइप सी का केबल लगाता हूँ और ये जो है मेरे पास चार्जर है वो जो है
3 एम्पियर का चार्जर है, तो आप 3 एम्पियर चार्जर से जो काफ़ी अच्छी तरीके से इन सभी बैटरीज को चार्ज कर सकते हो। तो अब देखो जैसे मैंने लगाया, इसके अंदर चारों के अंदर जो है यहाँ पर LED चालू हो चुकी है, ब्लू वाली, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको रेड वाला भी दिखेगा, मतलब दोनों अगर जल रहा है मतलब यहाँ पर कोई बैटरी लगी ही नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर इन सभी बैटरीज को जो है यहाँ पर लगाता हूँ इसके अंदर, तो कुछ इस तरीके से जो है ये सभी बैटरी यहाँ पर लग जाएंगी। और आपको ध्यान देना है कि प्लस वाला, ये वाला जो है ना ये प्लस है, ये प्लस के साइड में ही रहे। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पर LED टर्न हो जा रही है रेड कलर में, मतलब कि यहाँ पर चार्जिंग चालू हो चुका है। तो सेम इसी तरीके से मैं आपको सब कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ना, यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से सब यहाँ पर LED चार्ज हो चुकी है, मतलब चालू हो चुकी है बेसिकली। और देख सकते हो यहाँ पर रेड जल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है। और जब ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब समझ जाना कि इसका चार्जिंग जो है फुल हो गया है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये अच्छी तरीके से वर्क करता है। और आप चाहो तो इसको अच्छी तरह से कवर भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको जो है पूरा ऐसे ही रखने वाला हूँ, ज़्यादा इस पर कुछ करूँगा नहीं। और ऐसे ही मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि यार देखो जितना रॉ रहेगा मतलब जितना मतलब प्रैक्टिकल रहेगा उतना ही आप चाहो तो इसको बना सकते हो। इस हिसाब से मैंने इसको काफ़ी सिंपल सा रखा है। तो आप चाहो तो इसकी मदद से चार्ज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसको निकाल कर एक जो माइक्रो USB केबल होता है उसको इंसर्ट करके जो भी इसको चार्ज कर सकते हो। तो मैंने लगा दिया है और देख सकते हो यहाँ पर LED ऑन हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी बैटरी जो चार्ज हो रही है फिलहाल। सो आई होप कि यार आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। अगर आप ये सभी पोर्ट्स परचेस करना चाहते हो जो TP4056 का जितना भी है, तो आपको जो नीचे लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जरूर से ट्राई कर सकते हो, बाय कर सकते हो। वहाँ से बहुत ही चीप प्राइस में देखने को मिल जाता है, 25 से 30 रुपये में आपको देखने को मिल जाता है, और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो फ्रेंड आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। सो बस फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।